उनको व्यवस्था दें राष्ट्रपति जी। ओम राम नमः शिवाय पांडुकुलपीठे श्री यंत्र स्थापना भी यहाँ भी कलशाम से वेद कांति ही चतुष्कोणेशु कलश स्थापना करोमिति साहा थोड़े थोड़े से पुष्प ओम संभव षट श्री कलशार्चनम कलशार्चनम उधर भी चार कलशों पर कलशार्चनम करोमिति साहा ओम ह्रीं श्रीं देव आरंभम बम हम संतम बम 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 हम 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 सम सम तम बम 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 जम 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 जिम 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 ड्रम 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 है ड्रम ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि साहा करोमि साहा करोमि साहा श्री मनोरथ सतैर्भवभ्यपुंसा पूर्णैश्वर्णकलशैः खलैः वसानै संसारसागरविलङ्घन हेतुसेतो मप्लापये त्रिभुवनैकपतिं विनेत्रम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अरं पं पं हं सं तं पं 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 Dum 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 नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वेजायाणं नमो लोय सब्बसाहुणं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री वीतरांगाय नमः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसी शंकराय द्वादश पुरुषाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञाने अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय शक्त ज्ञाने सर्व ऋषि आरिका श्रवक श्राविका प्रमुख चतुर संगो सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अभयमस्माकम प्रत्योम अधिगामम अधिगामम अवधिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वशरीगम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचूरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वदचक्रभयम सर्वपरमन्त्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनर्मारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्यमारिम सर्वगोमारिम सर्वमैश्मारिम सर्वधान्यमारिम सर्वक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वरस्यमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्मारिम सर्वेदान सागरी नग्निमयम सर्वेदिनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रवर्ती जो बोले शौर्य शांतिम सर्वानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगुणानंदनम सेवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वेजमानंदनम शरबदुख महान हर पचे 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 कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यस्तु गंत्र लोकेशु व्याधि प्रश्न मृतम अभियम छे मार्गम स्वस्ति रेसु रेसु मस्तो शांति रेसु 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 स्वस्ति रेसु रेसु कल्याण मस्तो कुल गोत्र संचरण वास मुनि मल्ली प्रथम पुष्पन सिद्ध मोचन नेमिना प्रसन्न वा इत्येन मंत्र प्रणाम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रसाद जी शांति राधे शांति कराए सर्व पपनासम क्षुद्र पुत्र विनाश है सर्व छामर डावन नाश है ओम राम रीम राम राम सियो सुनम परम पूज गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम ने शे मम आचार्य सुनम सर्व संत सुनम मुनि शुभ सागर मुनि शुभ की सर्ग आदि का सोभ मुनि सर्व संघ से ब्रह्मचारी पंकज ब्रह्म पंडित सती शास्त्री समस्त समस्त संघ जो संघ से श्रीमान बीरेंद्र सुमंजन जयपुर मनी सोतन गटा क्लास जय जय मुझे जन सकेत अशोक सूचना जमीरा संदीप प्रदीप ट्रस्टी परिवार संजय ममता जैन गिटर क्लास सतीश शिष्टा जैन होचकाच मुकेश बीरेन्द्र साकेत अंशुल आकृति आयानगर सुनील प्रीति छतरपुर नितिनिधि जैन प्रवीण सुमन जैन स्तुति आशीष जैन गुरुग्राम मंजुला चलनी तो वर्धमान जैन मेहरौली विजय निर्मल जैन गुरुग्राम अनुपम जैन अनुलता जैन राजकुमार प्रीति अमीर सुमन जैन राकेश बिंदु जैन समस्त परिवार से समस्त उपस्थित जन समुदाय से डॉक्टर सुभाष सुमन संभव ईसा जैन समस्त परिवार सर्व रोग शोक संकट निवारण सर्व शांति भवतु तुष्टिर भवतु पुष्टिर भवतु हम बसत संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देश से राष्ट्र शिपुर से राज्ञा
करो तु शांति भगवत जिनेन्द्रा, करो तु शांति भगवान जिनेन्द्रा, करो तु शांति भगवान जिनेन्द्रा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं भगवत अर्हत परमेश्वर महाशांति मंत्र अभिषेकाय जल फलादि महारिघ्यं निर्वामति। भवदति शोषणहार जायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार, हरता अघनिहारि के करता धर्म प्रकाश, तीर्था पद दातार हो धरता निज गुण राज, धर्मामृत और चल दिसो ज्ञान भान तुम रो, तुमने चरण सरोज को नावत तिहु जग भो, मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंद के सेनी और न कछु पाओ, भवजन को फल को पते तुम ही कारण हार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार, चिदानंद निर्मल कियो धोई करम रस में, महा अरिघ्यम निर्वामति सहा। कल हम ओम मिरिम मिश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जिन समो गर्भ कल्याणक प्याप्ते अत्र अवतर अवत समो सटवाणम, जय हो जय हो। ओम मिरिम मिश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जिन समो गर्भ कल्याणक प्याप्ते अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्थापिनम, जय हो जय। ओम मिरिम मिश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जिन समो गर्भ कल्याणक प्याप्ते अत्र मम सनिधो भव वस सनिधि करणम, मिरिम गर्भ कल्याणक प्याप्तभ्यो विश्वादि वीरांतभ्यो जन्म जरमिति विनाशनाय जलम निरपामिति सहा। क्या बात है, जय हो। हर्षि तले सो चैतन्य दुख निकैतन्य बलिया गिरि मन भावनो केशर कपूर मिलाय श्री चिनिराज भोजन भावनो, छपन सुदेवी करत सेवा सरस उत्सव ठानी के हर साय कर जिन चरण पूजत सरव आरत हानि के, गर्भ कल्याणक प्याप्तभ्यो विश्वादि वीरंतेभ्यो संसार ता विनाशनाय चंदनम निरपामिति सहा। ला 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 हो 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 आहा हा हा हा, सुंदर प्रकाश कोचा से अक्षत चंद्र ज्योति प्रकाशित मोती समान अखंड धोकर पूज पावत भाषित, जय जय मरु देवी माता तेरी हो गई अमर कहानी तेरे गर्भ में आदि आए, गर्भ मंगल प्याप्ताय श्री सब देवाय अर्घम निरपामिति स्वाहा। जवली आदिनाथ भगवान की, गर्भ मंगल प्याप्त श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरपामिति स्वाहा। जय बोली अजितनाथ भगवान की। आइए अब कुबेरेंद्र आएंगे, कल आपने दिव्य नगरी की रचना की है और आज उस नगरी में दिव्य रत्नों की वर्षा करते हुए आएंगे, चलिए। ओम विरिम श्रावण शुक्ल द्वितीय दिने गर्भ मंगल प्याप्ताय श्री सुमतीनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरपामिति स्वाहा। जय बोली सुमतीनाथ भगवान की। गुरुवर्ग सौभाग्य गुरु दरबार है और भीड़ बेशुमार है, अरे गुरुवर्ग का द्वार कभी भूल नहीं जाना रे, गुरुवर्ग का द्वार कभी भूल नहीं जाना रे, ओम मिरिम फागुन शुक्ल तृतीयाम गर्भ मंगल मंडिताय श्री अरेनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरपामिति स्वाहा। धन्य दिन आज है आया, 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 कि मन हर्षाया कि तन हर्षाया, कि मन हर्षाया कि तन हर्षाया, मिली जिन धर्म की छाया, धन्य दिन आज ही आया, 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 सोदर इंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है।
स्वामी, अभी अभी आपने देखा हमारा आसन कंपायमान हो रहा है। ऐसी कौन सी घटना है जिससे हमारा आसन कंपायमान हो रहा है? मैं भी यही देख रहा हूँ कि हमारा आसन कंपायमान क्या हुआ। माइक सेट कर दो जरा। स्वामी, आप तो अवधि ज्ञान के धारी हैं। अवधि ज्ञान लगाइए और देखिए हमारा आसन कंपायमान क्यों हो रहा है। हाँ देवी, अभी देखता हूँ। और सची इंद्राणी ने अपनी बात कही तो सोधेन्द्र जी खड़े होते हैं और तर्जनी उंगली लगाते हैं। आइए, छत्र को हाथ को छत्र चबर बढ़ा के धीरे धीरे सात कदम आगे बढ़ के और नमो स्तुति धंकराय, धंकराय स्तुति धंकराय, नमो स्तुति धंकराय, नमो स्तुति धंकराय, नमो स्तुति धंकराय। और सची कहने लगी, हे स्वामी उठिए ना, उठिए ना नाथ। ये आप पुनः किसको प्रणाम कर रहे हैं? हाँ देवी, बहुत ही सुखद समाचार आया है, अवसर आया है। कौन सा अवसर आया है नाथ? सुनो देवी, सभी देवगणों तुम सुनो, अयोध्या नगरी में नाभि राय महाराज के महलों में माता विजय की गर्भ से अजितनाथ तीर्थंकर अजितनाथ का जन्म हो चुका है। इसलिए जय हो, इसलिए हम सब यहाँ जन्म कल्याणक बनाने। जय हो, 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 जय हो। स्वामी, आप धन्य है, आपका ज्ञान एवं जिनेन्द्र भक्ति अद्वितीय है। आप अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं, आप महान हैं। हाँ सची, सभी देवगणों हम सभी को अयोध्या नगरी जाना है और एरावत बनाने का अवसर मिला है और कुबेर को आदेश दिया जाए कि वो हमसे आके मिले। हम सभी को और सौधर्मेंद्र जी जैसे ही कहते हैं, हे लोकपाल, आप जाओ और हमारे मित्र कुबेर को सम्मान सहित जो आज्ञा देवेंद्र, मैं अभी जाता हूँ और धनपति कुबेर को उसका सम्मान लेकर आता हूँ। आप आसन ग्रहण करें। सावधान, होशियार, खबरदार, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र के परम मित्र धनपति कुबेर अपनी धनश्री के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे। और धनश्री इधर आते हैं और धनपति कुबेर प्रणाम करते हैं। हे स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र, कुबेर का प्रणाम स्वीकार करिए। आओ मित्र, आपका स्वागत है। और सौधर्मेंद्र जी खड़े होकर गले मिलते हैं और गले मिलकर ओ मिले धनपति से सौधर्मेंद्र राजा, सलामत रहे तो सिताना हमारा। मिले धनपति से सौधर्मेंद्र राजा, सलामत रहे तो सिताना हमारा, सलामत रहे तो सिताना हमारा। आइए और गले मिलते ही
सौधर्मेंद्र सिंहासन पर आसीन हो जाते हैं। यहाँ धनपति कुबेर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, हे देवेंद्र कहिए पुनः कैसे याद किया। हे धनपति कुबेर, अयोध्या नगरी में अजितनाथ तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का जन्म हो चुका है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हम सभी को अयोध्या नगरी चलना है और आप सभी अभियोग जाति के नागदेव देव को इरावत बनने का आदेश दीजिए। जो आ गया देवेंद्र। हेलो, मैं अभी इरावत आदि को प्रस्तुत करता हूं। जब गुरुदेव दरबार लगा हुआ है, सौधर्मेंद्र महाराज अपने सिंहासन पर मंचासीन है और गुरुदेव चतुर्विध संघ के साथ यहाँ पर विराजमान है। गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है। गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है। तेरी साधना से गुरुवर, तेरी साधना से गुरुवर भारत चमक रहा है। गुरुदेव को देखिए कैसे नमस्कार करता है, कोई भी कहीं भी होता है बड़ा तो कैसे नमस्कार करता हुआ। देखिए सुंदर सा ऐरावत हाथी तुरंत सौधर्मेंद्र ने सेवा में प्रस्तुत कर दिया। एक बार ताली बजा दो। सौधर्मेंद्र के एक आदेश पर ये ऐरावत हाथी भी इसके पहले देव था। सौधर्मेंद्र ने कुछ ही क्षणों में ये 1,00,000 योजन विस्तार का ऐरावत हाथी, प्रभु के जन्माभिषेक सारी सुविधाएं इस ऐरावत हाथी के पास हैं, उसको करके यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। चलते हैं, सौधर्मेंद्र स्वयं खड़े होते गए अपनी सचिन रानी के साथ। चलिए इधर से स्वर्गाधिपति के साथ धनपति कुबेर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ऐरावत हाथी आगे है और सौधर्मेंद्र स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे, और बाकी उनके साथ ईशानेंद्र सनत कुमार इंद्र जैसे पांडुशिला पर अभिषेक करते हैं, इंद्र के पीछे इंद्र और इंद्राणी के पीछे इंद्राणी और कुबेर के कुबेर साथ में कुबेर, सौधर्मेंद्र के पीछे ईशानेंद्र, सभी इंद्र लाइन से चलेंगे। आइए अयोध्या नगरी के लिए चल रहे हैं। अर चला चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरी, पैरों में बाजे है छम छम पायलिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, पैरों में हो पैरों में बाजे है छम छम पायलिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। राजा की जय हो, अर जय हो जय हो जय हो, अरे महाराजा की जय हो, अर जय हो जय हो जय हो, अरे राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। कहो द्वारपाल कैसे आना हुआ। अरे महाराज बड़े प्रसन्नता की बात है, महाराज बड़ी खुशी की बात है। बताओ जल्दी बताओ भाई क्या प्रसन्नता की बात है। महाराज इतनी प्रसन्नता की बात है कि अगर आप सुनेंगे तो आप सिंहासन से खड़े हो जाएंगे। महाराज ना फिर जल्दी बताओ ना। महाराज महाराज अभी अभी प्रसूति गृह से दासी ने सूचना दी है, महारानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज जय हो जय हो, प्रभु की जय हो जय हो। और जैसे ही सूचना मिली महाराज बहुत प्रसन्न हुए, सारे नगरवासी प्रसन्न हुए। हाँ देखिए कितना सुंदर सा दृश्य है। देखिए जब हम आगम ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब हम प्रतिष्ठा ग्रंथों को पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं कि संपूर्ण जन्म कल्याणक की क्रिया
सौधर्म में इंद्र एक अंतर मुहूर्त में कर देता है, एक अंतर मुहूर्त में सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेता है, पांडुक शिला पर और छवि को निहारता है, पांडुक शिला पर अभिषेक करता है, पुनः माता को सौंप देता है। इस समय में कितना टाइम लगता है इतने पूरे करने में? मात्र एक अंतर मुहूर्त। लेकिन इसको मात्र भगवान की भक्ति प्रेरित करने के लिए हम सभी इसको बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। चले आए पूरी इंद्र कर भक्ति करते हुए आ जाए। आज खुशियाँ मनाएंगे, आज खुशियाँ मनाएंगे, आज झूमेंगे गाएंगे। अरे आए आए आज, आज इंद्र यहाँ आए, अरे आए 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 आज इंद्र यहाँ आए, आज खुशियाँ मनाएंगे, तो आज रत्नी लुटाएंगे। ओ सचिन दिनानी खुशियाँ मनाए, सौधर में मन में मुस्काए, सौधर में इंद्र मन में मुस्काए। ओ धनपति अजी धनपति, नारी की जीव भी साता का अनुभव करते हैं, नरकों में भी खुशियां छा जाती हैं। ये भगवान के जन्म का उत्सव होता है, और विशेष बात सारे नगर में, सारे राज्य में, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं होता जब भगवान के जन्म का उत्सव होता है। अभी देखेंगे कुबेर इंद्र सुंदर सुंदर से रत्नों को सबके पास लुटाएंगे। सौधर्मेंद्र महाराज अनेक प्रकार के जितने उनके भंडारे हैं सारे भंडारों को खुलवा देंगे, क्योंकि आज उत्साह का दिन है, ये पावन पर्व है। गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज अपने पूरे चतुर्विध संघ के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। गुरुदेव को सुनेंगे, उनका मंगल आशीर्वाद लेंगे। उसके पहले श्रीमती सुशीला जी जैन शक्तिनगर महिला मंडल की प्रधान हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके दो शब्द यहाँ पर होंगे, वो अपने भाव गुरु चरणों में यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद हम सीधे सीधे गुरु चरणों में चलेंगे। गुरु चरणों के बाद एक सुंदर सा वो प्रस्तुति आपको दिखाएंगे, जिसमें सौधर्मेंद्र और सचिन रानी किस प्रकार से तीर्थंकर बालक को लेने के लिए मनोहार करते हैं, वो दृश्य आपके समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाएगा। आए और सचत नमन, पूरे संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमन। बड़ी प्रसन्नता का आज विषय है कि देव शास्त्र गुरु तीनों का सानिध्य यहाँ मिला है। गुरुदेव के विषय में तो आप सबको सब कुछ ज्ञात ही है। जब से गुरुदेव दिल्ली में पधारे, दिल्ली बाग बाग हो गई, और उस बाग में इतनी बगियां खिली कि उनका वर्णन करना मुश्किल है, नामुमकिन है। दो लाइन में बोलूंगी, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दुनिया क्यों दौड़ी आती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दुनिया क्यों दौड़ी आती है, कुछ खास बात तो है तुम में चरणों में शीश झुकाती है, कुछ चमत्कार तो है चरणों में। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमो अरिहंतारणम, नमो सिद्धारणम, नमो आयरियाणम, नमो वैजायाणम, नमो लोये सभ्यसाहुम। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री मुनिसुदनाथ भगवान की, चिच्चमत्कारी चिंतामणि वारिष्ठनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। जयवली आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। जन्म जा ना मा, जन्म जन्म जन्म,
प्रत्येक व्यक्ति का जन्म इस संसार में होता है, चाहे वह त्रियंचे हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कोई और भी हो, सभी जीवों का जन्म होता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का जन्म कल्याणक नहीं होता। जन्म कल्याणक यदि होता है तो मात्र और मात्र तीर्थंकर भगवान का हुआ करता है, जो पहले से ही नियत होता है कि तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। आज घर में किसी बालक बालिका का जन्म होता है, कोई मिठाई बांटता है, कोई पेड़े बांटता है, कोई बाजा बजाता है। जन्म लेना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन जन्म लेने के बाद जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना ये सबसे बड़ा कार्य हुआ करता है। जो जन्म लेने के बाद जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करता है वही संसार में सारे कार्य को संपन्न करता है। आज वर्तमान काल में प्रत्येक व्यक्ति जन्म को प्राप्त कर रहा है, जीवन को जीने का कार्य कर रहा है। जन्म और जीवन की श्रृंखला में प्रत्येक व्यक्ति अन्य अन्य सारे सारे कार्य कर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह हो रही है कि आपने जन्म तो ले लिया। श्री कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ था पता? श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था, जहां पर ना कोई थाली बजाने वाला था, ना कोई घंटी बजाने वाला था, ना कोई कुछ भी करने वाला था। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म वहां पर जब कारावास में हुआ था, उसके बाद श्री कृष्ण ने ऐसा काम किया कि आज जनजने के लोग श्री कृष्ण की तस्वीर लगाते हैं, क्योंकि जन्म कहीं पर भी हो उन्होंने अपने जीवन को सुधार लिया। जन्म कहीं पर भी कैसे भी हो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन कैसा होता है यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये जो आपके सामने संत है, इन सबका जन्म भी गद्दे पर हुआ था। प्रत्येक संत का जन्म गद्दे पर होता है, लेकिन उस जन्म के बाद वह गद्दे पर सोना छोड़ देते हैं। इसलिए आप सुबह शाम गद्दा छोड़कर उनके दर्शन करने आते हो, और अन्यत्र कहीं पर भी जाओ तो गद्दे पर बैठे बैठे हाई ग्रो हलू कर लोगे सारे। तो जीवन में महत्वपूर्ण बात जन्म नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्म मिलने के बाद कर्म कैसे हैं, क्योंकि इंसान जन्म से नहीं अपितु कर्म से महान बनता है। जैसे जैसे इंसान कर्म करता है वैसे वैसे इंसान महान बना करता है। जैसे जैसे इंसान की कर्म व्यवस्था होती है वैसे वैसे उसके जीवन की व्यवस्था चलती है, वैसे वैसे उसके जीवन की अवस्था चलती है, और अन्य सारे कार्य वहां पर संपन्न और संपादित हुआ करते हैं। प्रत्येक माता पिता जो यहां पर बैठे हैं, जो माता पिता बन चुके हैं, जब दादा दादी बनेंगे, जो माता पिता बनने की दहलीज पर हैं, उन्हें सभी को चाहिए कि जब हमारे यहाँ पर किसी संतान का जन्म होवे, जब हमारे यहाँ किसी बाल गोपाल का जन्म होवे, तो उस समय हमारे मन में एक ही भावना होवे, एक ही प्रार्थना होवे, एक ही याचना होवे कि हे भगवान, मेरा बच्चा मुनि बन सके ना बन सके, मेरी बच्ची आरिका बन सके ना बन सके, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा जो है मुनि महाराज का सेवक बन जाए, मेरा बच्चा जो है आरिका माता जी की सेवा करने वाली बन जाए। तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन का निश्चित हो जाएगा। आज वर्तमान काल में भक्त बनना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन भक्त की परिभाषा क्या होती है? भक्त किस तरह से होते हैं? भक्त भी कई तरह से होते हैं, भक्त भी कई कई तरह से होते हैं, और भक्त भगवान के पास जाकर तरह तरह से बात करते हैं। एक व्यक्ति आता है कि भगवान मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपके चरणों में जैसा रखना वैसा रख लीजिए। और एक व्यक्ति आता है, भगवान जी रविवार को मेरा जन्मदिन है, उस दिन मेरा एक काम हो जाए। और एक व्यक्ति आता है कि भगवान जी यदि मेरा बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया तो मैं 2 किलो चांदी मंदिर में चढ़ाऊंगा। अरे सौदा है क्या? व्यापार है क्या? आदेश है क्या? आप तो बोलो, मैं तो आपके चरणों में आ गया हूं, अब जैसी आपकी मर्जी वैसा रख लेना, आपके जीवन का सबसे ज्यादा कल्याण हो जाएगा और आप तो भगवान की प्रशंसा के पात्र बन जाओ। जन्म कल्याणक महोत्सव यहाँ पर अजितनाथ भगवान का मनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी बनी है, अजितनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव का पर्व चल रहा है, जन्म कल्याणक का प्रसंग चल रहा है, चारों ओर खुशियां हैं। विचारणी बात यहाँ पर है कि आपके परिवार में किसी का जन्म होता है तो कितने लोग खुश होते हैं? 2, 4, 10, 25, 50 लोग।
लेकिन जब भगवान का जन्म होता है तो तीनों लोकों में प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। तीनों लोक के जीव जो हैं सब सुख का अनुभव करते हैं, सभी लोग आनंद का वातावरण लाते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान का जन्म हो रहा है, जो जन जन के उद्धारक है, जन जन का कल्याण करने वाले हैं, जन जन को शांतिमय जीवन देने वाले। लेकिन आज की परिस्थिति बदल गई, लोग यहां पर भी आते हैं मंदिर में, जब दर्शन करते हैं भगवान के, वेदी पर किसी पड़ोसी का नाम लिखा है। महाराज जी आपको पता है? मैंने पूछा क्या? बोले ये जो वेदी है मेरे पड़ोस के रिश्तेदार के नातेदार के चाचा ने दी है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर मैंने पूछा उससे कि ये वेदी कौन से भगवान की है। फिर मैंने पूछा उससे वेदी कौन से भगवान की है। बोले महाराज ये तो पता ही नहीं है, भगवान की वेदी कौन से भगवान की इंसान को वह नहीं पता है, लेकिन उसको यह पता है किससे रिश्तेदार नातेदार के चाचा ने दी। क्या होगा संसार? एक बार क्या, अभी दो चार दिन पुरानी बात है, एक व्यक्ति मेरे पास में आया। बोले महाराज जी आपका चुमाचा छिंदवाड़ा हुआ है? मैंने कहा हाँ। बोले 30-32 साल पहले मैंने आपके छिंदवाड़ा में दर्शन किए थे। मैंने कहा जी रॉक नंबर। बोले आपका चौमासा छिंदवाड़ा हुआ है? मैंने कहा हुआ है। बोले 30-32 साल पहले मैंने आपके चौमासे में दर्शन छिंदवाड़ा में किए थे। मैंने कहा भाई मैं तो 40 का होने वाला हूं और मैं मुनि 18 साल की उम्र बना था, तूने 30 साल पहले दर्शन कैसे कर लिए? विचार नहीं, मतलब क्या कर रहे हो? संतों के पास जा रहे हो आप, पहचान निकाल रहे हो, संतों के पास जाकर क्या कर रहे हो आप? तो कहो भाई हम तो भक्त बन के आए, आप हमारा कल्याण करिए, हमारा कल्याण करने का प्रयास करें, हमारे जीवन को। ये समय पास करते हो इधर उधर की बातें करके। जीवन में आज जन्म कल्याण का दृष्ट है, जन्म कल्याण का महोत्सव है, जन्म कल्याण का महोत्सव चल रहा है, जन्म की खुशियां वितरित हो रही है, जगह जगह रतन वृष्टि हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान अजितनाथ का जन्म यहां पर हो रहा है। जन्म की खुशियां होंगी, जन्माभिषेक होगा, अब सारा नर नारी हर्षित होंगे, सभी लालायमान है, सभी लालायत है कि प्रभु का प्रथम कलश हम करेंगे, प्रभु जी की आरती हम उतारेंगे, प्रभु का ऐसा हम करें। क्यों? कल तक जो प्रतिमा पाषाण की थी, आज वह धीरे धीरे परमात्मा बनने की राह पर चल रही है, परमात्मा बनने के मूल पर चल रही है, परमात्मा बनने के आकाश पर चल रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर कल्याणक हो रहा है, मात्र ये अभिनव हो रहा है। आप सोदर मने कुबेर आदि बन रहे हो, लेकिन आपके जीवन का पुण्य प्रसंग है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी पहले जैसे पंचरक्त तो होते नहीं तो फायदा क्या है? मैं उनको ये बात कहता हूं कि आप जो अभी स्वधर्म कुबेर इंद्र आदि बन रहे हो, माता पिता आदि बन रहे हो, यह मत समझो कि पहले जैसा नहीं है, बल्कि ये सोचो कि हमारे काल में जैसा हो सकता था उसमें हम इंद्र इंद्राणी बन गए। पहले काल में क्या होगा पता नहीं, और आने वाले काल में क्या होगा ये भी पता नहीं, जो काल में आपने देखा है हम तो उसी को मानते हैं। भगवान का समूषण कैसा था ये हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन भगवान का समूषण कैसा होता होगा इसको हम लोग देख सकते हैं। पहले जब पंचनाग हो, जब तुम कहां थे और हम कहां थे पता ही नहीं किसी को, लेकिन ये जो पंचनाग हो रहा है इसमें हम भी यहीं पर हैं और आप भी यहीं पर हो, ये सबको पता है। तो जीवन में व्यवस्थाएं चल रही हैं, पंचनाग की क्रियाएं चल रही हैं, अन्य अन्यचारी क्रियाएं यहां पर संपन्न और संपादित हो रही हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति नियम ले ले कि हमारे घर में जब बालक का जन्म होगा तो जन्म होने के बाद सबसे पहले बालक को जब हम 40वें दिन 45वें दिन मंदिर लेकर जाते हैं, उस दिन से लेकर जब तक बच्चा कमाई करने लायक नहीं होगा, हर माता पिता यदि संकल्प ले ले तो समझ के चलना कि जैन धर्म में कोई गड़बड़ होगा ही नहीं। सभी माता पिता संकल्प कर लें कि जब तक बच्चा कमाने लायक नहीं होगा तो जब हम उसको 2000 रुपये रेस्टोरेंट में जाने के देंगे उसमें 200 रुपये जरूर देंगे कि मंदिर की गुल्लक में डालना, पहले मंदिर की गुल्लक में 200 रुपये डालना, उसके बाद में बाजार में जाकर 2000 रुपये कुछ सामान खरीद कराना। ये प्रत्येक माता पिता संकल्प कर ले तो समझ लेना कि जीवन का कल्याण अपने आप हो जाए। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है, मंदिर की गुल्लक में डालने के लिए जब जेब से 500 रुपये निकलता है तो अंदर चला जाता है और 50 रुपये का बाहर निकलता है, और रेस्टोरेंट में जाने के बाद 500 रुपये का नोट निकलता है तो कहता है ये तो मेरे लायक ही नहीं, और दूसरा नोट बाहर निकलता है। क्या हो रहा है? आज रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो रेस्ट करना पड़ रहा है, और मंदिर में जाओगे तो चुस्त फुस्त रहते आओगे, मंदिर में जाओगे प्रभु की द्वार पर जाओगे तो हमेशा चुस्त फुस्त तंदुरुस्त रहते जाओगे। तो जीवन का कल्याण करना है तो रेस्टोरेंट में जाओ कोई बात नहीं है,
लेकिन कम से कम टेंपल में भी जाने का प्रयास करो। आपके यहां पर जो आने वाली संतान हैं, पहले के जमाने में जब माताएं अपनी बच्ची को विदा करती थी तो दहेज में पद्म पुराण दिया करती थी, पूजा के बर्तन दिया करते थे, चांदी की माला दिया करती थी, और उनके घर में जाने के बाद पहले दिन से ही मंगलाचार हो जाता था, मंगलाचरण हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब उनकी सास देखती थी कि इनकी इतनी धार्मिक परिवार है, तो उसकी बहू जब मंदिर में माला करने बैठती थी कोई तकलीफ नहीं होती थी कि इसको पियर से माला मिली है तो जाप तो करेगी। लेकिन आज यहाँ पर स्थिति बदली हुई है, दहेज में गाड़ी दी जा रही है, दहेज में फ्रिज दी जा रही है, दहेज में पलंग दिया जा रहा है, लेकिन धर्म नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि धन दिया जा रहा है तो सास बहू भी धन के चक्कर में लगे हुए धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। आगे विचार करें कि अपनी संतान को अच्छी तरह से सुंदर तरीके से विकसित करना है, जीवन की व्यवस्थाओं को संभालना है। तो जन्म हो चुका है, जीवन जीना प्रारंभ कर चुका है, अब होना बाकी है तो मरण। जन्म हो चुका है, जीवन होना प्रारंभ हो चुका है, अब होना बाकी है तो मरण होना बाकी है। उसके बीच में हम अपने जन्म को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि जैन धर्म में हमेशा कहा जाता है कि इंसान जन्म से नहीं अपितु कर्म से महान बनता है। एक समय में पूरे भारत देश में हजारों लोगों का जन्म होता है, लेकिन एक व्यक्ति चोर बन जाता है, एक व्यक्ति साहूकार बन जाता है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाता है। राशि नक्षत्र का कोई फर्क नहीं है। यदि मैं कहता हूँ राशि नक्षत्र से फर्क पड़ता तो राम को लोगों ने सिर पर बैठा रखा है, रावण को घर से बाहर निकल चुका है। दोनों की राशि नाम चालू होता है। कंस कौरव को देख लीजिए, पारस को देख लीजिए, लेकिन राशि से नाम से यदि जीवन में काम होते तो ना जाने क्या होता, पूरे भारत देश में लोग शिक्षित हो जाते। तो हमारा जैन धर्म वह जैन धर्म है जहां पर सिर्फ शुभ की बातें, मंगल की बातें, शोभा की क्रियाएं, अपनेपन की बात होती है। तो अपने जीवन को, जन्म को सुधारना है, जीवन को सुधारना है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य जरूर करना चाहिए कि हमेशा जब भी आपके जीवन में अवसर मिले, ये बात मैं हर पंचनाग में इस दिन कहता हूं, सब सोच रहे हैं अभी तक बोली क्यों नहीं, हर पंचनाग में मैं एक बात कहता हूं कि जब आपका बच्चा 8 साल का हो जाए तो उसके हाथ में अब एक चांदी का कलश दो और जाकर कहना कि भगवान के सिर पर अभिषेक कर लो। जो बच्चा भगवान के मस्तक पर अभिषेक कर लेगा उसके हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं आ सकती, क्योंकि उसके हाथ में भगवान का कलश आपने थमा दिया है। जो बच्चा आपका मंदिर जाता है आप उसको धूप खिलाना चालू कर दीजिए, जो बच्चा भगवान के चरणों में धूप खेदेगा उसको कभी जीवन में सिगरेट का कस लगा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में सुगंधित धूप आ चुकी है, वह सिगरेट कैसे पिएगा। जो बच्चा भगवान के मंदिर में जाकर अष्टद्रव्य की पूजन करेगा उसके हाथ में कभी नॉनवेज जो मांसाहारी प्लेट है वह कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके हाथ में भगवान की द्रव्य आ चुकी है। प्रयास करेंगे आपका बच्चा जब आपके हाथ में है तो उसको ऐसे संस्कार दें जिससे उसका जन्म सही हो, जीवन सही हो, यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। मन मंदिर से नहीं तुम कम, आप रख दो जहाँ पर कदम, सारी दुनिया बिछाए के फूल, दिल अपना बिछा देंगे हम। अंदर जाना है? नहीं, अंदर अंदर नहीं जा सकते हो, अंदर माता श्री है और प्रसूति गृह में पुरुषों का प्रवेश नहीं हो सकता है। मुझे रोक रहे हो, मुझे जानते नहीं, मैं सौधर्मेंद्र हूँ। हाँ महाराज, हम जानते हैं, पर अंदर माता है इसलिए आपको नहीं जा सकते। ओहो, मैं प्रभु भक्ति में इतना भी भूल गया कि मैं प्रभु को लेने स्वयं ले जाने लगा। यहाँ तो मेरी सची ही जा सकती है। सची आप जाओ। हे सची, हे सची, हे सची, लाइए ना, आप भगवान को लाइए ना। हे सची, हे स्वामी, आप तो गए थे भगवान प्रभु अजितनाथ जी के दर्शन करने, आप नहीं लाए। हे सची, तुम तो जानती हो मैं प्रसूति गृह में पुरुषों का प्रवेश निषेध है, इसलिए आप जाइए ना और प्रभु को लेकर आइए। हे स्वामी,
ये काम तो मैं चुटकियों में कर देती हूँ, और यूं गई और यूं आई। और सचिन रानी ने अपने भावना बनाई और इधर सोधर्मेंद्र जी अंतर्मन से और सोधर्मेंद्र जी कह रहे हैं, हे सचिन, ओ अरे धीरे से जाना महलन में, और सचिन धीरे से जाना महलन में, हे सची सुनो, अरे धीरे से ऐसे आओ, आए है क्या कह दिया, अरे धीरे से जाना महलन में, और सची धीरे से जाना महलन में, धीरे से जाना महलन में, और सची धीरे से जाना महलन में, अरे सोई है राजा की रानी देख रही अनुपम सपने, सोई रही राजा की रानी देख रही अनुपम सपने, अरे सो रही राजा की रानी हो देख रही अनुपम सपने, ओ जा 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 रे, अरे जा 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 रे महलन में, ओरी सची जा 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 रे महलन में, धीरे से जाना महलन में, ओरी सची धीरे से जाना महलन में। और इतने में सोधर्मेंद्र जी कहते हैं, सुनो सची सुनो, ऐसे अकेले जाओगे तो काम नहीं चलेगा, तो क्यों नहीं, हाँ हाँ स्वामी, एक माता के होते हुए मैं उनको अपने पालक से कैसे अलग करूंगी, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। हे सची, तुम मायामयी हो, तुम बालक बनाओ और माता के पास सुलाओ और प्रभु को लेकर हमारे दर्शन कराओ। जैसी आज्ञा स्वामी। हे स्वामी, बस मैं तुरंत ही मालवी बालक का। ओ सचिन रानी आकाश की ऊंचाइयों को हाथ को फैलाती है, और बहुत सुंदर एक बालक सची के हाथ में आ जाता है। कितना सुंदर बालक, अब सची धीरे धीरे लेकर चारों कैसे, सची इंद्राणी, और सची इंद्राणी मन ही मन में वो बालक को लेकर चलती है। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप, क्या बात है। ओ अरे छम छम करके चाले, अरे छम छम करके चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए, ओ छम छम करके चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। आपके दोनों हाथ ऊंचे होना चाहिए, जरा दोनों हाथ ऊंचे करके, अरे छम छम करके चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए, ओ छम छम करके चाली सची भोली भाली माता अभी अभी। के महलों में जाए। मन में सोच रही है सचिन रानी कि कब मैं तीर्थंकर बालक के दर्शन कर लूं और कब मैं मेरे मन को पवित्र कर लूं, मेरे नैनों को नैन इतने तरस रहे हैं कि भगवान के दर्शन कर लूं एक बार। एक बार जोरदार ताली, हाय हाय। जहां पर सोई जीवन में सफल बनाओ, और
हो तबे तबे पाओ जाऊं, अरे तबे तबे पाओ जाऊं, जरा शोर ना मचाऊं। हो तबे तबे पाओ जाऊं, कहीं शोर ना मचाऊं। अजी मन में यही बेबचारो हो, छम छम करके चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। करके चाली सची भोली भाली, माता के महलों में। आज सची इंद्राणी वास्तविकता में सची इंद्राणी लग रही है, एक बार ताली बजा दो। बहुत सुंदर, और इतने सुंदर अभिनय के लिए, अभी भी मैंने चर्चा की थी कि आचार्य भगवान बोलते हैं कि सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी अगर इस प्रतिष्ठा के इस उत्सव को भी उत्साह के साथ मनाते हैं तो यकीन मानना इन्हें इनके आगामी भाव फिर उंगलियों पर गिने जाएंगे। ताली बजा करके और धर्म भाई हाँ, और धीरे से छुम छुम करके चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। छम छम करके चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। सची इंद्राणी उधर महलों में गई है, माता के महलों में, और इधर स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र महाराज इतने व्याकुल हो रहे हैं कि जिसकी इंद्राणी खो जाती है उसका दिल से पूछो, जिसकी इंद्राणी खो जाती है उसके दिल से पूछो। एक बार ताली बजाओ सौधर्मेंद्र जी के लिए। ऐसे देखते हैं, हो इधर उधर ये देख रहे हैं, अज इधर उधर ये देख रहे हैं, कहा है मेरी इंद्राणी। इधर उधर यूं देख रहे हैं, इधर है मेरी इंद्राणी। इतनी देर लगा दी क्यों है, इतनी देर लगा दी क्यों है, कब आएगी मेरी इंद्राणी। इधर उधर यूं देख रहे हैं, कहां गई मेरी इंद्राणी। हे इंद्राज, कभी आप इधर जाते, कभी आप उधर जाते, कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते, क्या हो गया इंद्राज, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? हे द्वारपाल, तुम्हें पता नहीं हमारी इंद्राणी अभी तक आई नहीं। महाराज, आपकी इंद्राणी तो आ गई है, आप देखिए ना, इधर इधर आइए, इधर आइए महाराज, वो बैठी है जो वो। अच्छा, वो नहीं है महाराज, इधर आइए ना, देखिए देखिए महाराज, वो उनमें से कोई नहीं, वो भी नहीं है। मेरी इंद्राणी तो करोड़ों में एक है। ओहो हो महाराज, इनमें से कोई भी नहीं है। अरे महाराज, इनमें भी बहुत सारी इंद्राणियां, देखो देखो, आपकी इंद्राणी तो मायामयी है। तो महाराज नहीं, इसमें भी कोई नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, अरे इनसे उनसे पूछ रहे हैं, इनसे उनसे पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। इनसे उनसे पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। इतने में सौधर्मेंद्र जी कहते हैं, पकड़िए, जैसे मैं बोलूंगा वैसे करना है ना, सची नहीं, थोड़ा प्रेम लेकर आइए। नमोस्तु। अब आगे हम देखिए ना, तो हमारे पास जो दर्शन करने आता है तो हमें पता नहीं चलता कि इंद्र कौन है, इंद्राणी कौन है। हमारे तो सारे के सारे संभव में दिखते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कौन सा हरा है कौन सा जा रहा है। अभी मिल जाएगी, प्रयास करें। और धीरे से जैसे ही पायल की आवाज आती है, जैसे ही आवाज सुनाई देती है सौधर्मेंद्र सुनते हैं, ये तो मेरी सची इंद्राणी की पायल की आवाज है, ये तो सची इंद्राणी की पायल की आवाज है। और शने शने आगे बढ़ती है सची इंद्राणी, आगे आती है। हाँ बेटा, सज भारत से चल करके तीर्थंकर को लाई है, सर्वारत से चल करके वो तीर्थंकर को लाई है। मन में अनेकों भाव सजोए, मन में अनेकों भाव सजोए, श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले, श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले, श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। और इतने में सौधर्मेंद्र जी कहते हैं, क्या हाँ
हे सचिन हमें भी बाल हे सचिन इंद्रानी अब हमें भी दे दो तीर्थंकर बालक। मैं नहीं दूंगी स्वामी, अभी तो मेरा तीर्थंकर बालक के दर्शन करके मन ही नहीं भरा। और इतने में सचिन इंद्रानी कहती है और प्रभु को ना दूंगी हो ये प्रभु बड़े प्यारे प्यारे हैं। प्रभु को ना दूंगी। इतने में सचिन इंद्रानी ने अपने मन के भाव उद्गार प्रकट किए। अब स्वतंत्र महाराज कैसे करें? प्रभु को दे दो ना हो ये प्रभु बड़े प्यारे प्यारे के। प्रभु को दे दो ना ये मेरे भगवान प्यारे प्यारे। और सौदर्मिंद कहने लगे मेरी प्यारी सखी बहुत समय हो गया है, अब तो प्रभु को दे दो ना। नहीं स्वामी, मैं अभी तो मेरे मन की तृप्ति नहीं हुई। हे सची स्वर का सारा वैभव ले लो, सब कुछ ले लो, पर प्रभु को मुझे दे दो, एक बार तो दर्शन करा दो। हे स्वामी जो आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वो तो पहले से ही मेरे नाम। अब सौधर्मिंद क्या कर रहे हैं? सची के पास जा और क्या कहते हैं, सुन ले मेरी इंद्रानी। इधर आइए ना सौधर्मिंद जी, जरा ऐसे आइए जरा। हाँ, और सुन ले मेरी इंद्रानी, सुन ले मेरी महारानी, ललना को मोह दिखाई दे, बाके दर्शन कर भई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी इंद्रानी, मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन ले मेरी इंद्रानी, सुन मेरी महारानी, ललना को मोह दिखाई दे, बाका दर्शन कर भई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी। और रानी मन की तृषा बुझ जाएगी। इतने में सौधर्मेंद्र जी ने कहा कि मन की तृषा बुझ जाएगी, तो सचिन रानी कहती है जरा दूरी दूर से, हाँ क्या बात है, और चेहरा इधर कीजिए सौधर्मेंद्र जी की तरफ। हाँ, सुन ले मेरे इंद्र राजा, सुन ले मेरे महाराजा, सुन ले मेरे इंद्र राजा, सुन मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, और प्रभु को नजरे लग जाएगी। ओ राजा सबको नजरे लग जाएगी। और सौधर्मिंद को बहुत समय हो गया तो जोर से हे सची, इतने जोर से डांटते, अरे जरा जोर से। हे सची तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूं, मैं सौधर्मेंद्र हूं, अब प्रभु को मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगी स्वामी, नहीं दूं। हो अरे कैसे दे दूं मैं तुमको सजन। अरे हाय क्या कहती, इधर आओ ना थोड़ा सा, इधर आइए। हाँ, हो अरे कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, हो प्यारा प्यारा ललन, कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, हो प्यारा प्यारा ललन, प्यारा प्यारा ललन, कैसे दे दूं मैं तुमको ललन, ये ललन बड़ा प्यारा ललन। और सौधर्मिंद देखिए घुटनों पे आ जाता है, सची अब तो दे दो। और इतने में हाथ जोड़ देते हैं वो, देखो हाथ जोड़ रहे हैं। दे दे इंद्रानी तेरे हाथ जोड़ता हूँ, दे दे इंद्रानी तेरे हाथ जोड़ता, हाथ जोड़ता हूँ तेरे हाथ जोड़ता हूँ, दे दे इंद्रानी, दे दे इंद्रानी तेरे हाथ जोड़ता हूँ, दे दे इंद्रानी तेरे हाथ जोड़ता हूँ। इतने में सौधर्मेंद्र जी खड़े हो जाते हैं, तो वो कहते हैं क्या, अरे
एक बार दे दो और एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ मा ओ थारी घणी रे थारी घरेणे कडोरे मन हार प्रभु जी मारा हाथ मा दो थारी घणी रे कडोरे मन हार प्रभु जी मारा हाथ मा दो। और सचिन राणी कह रही है पहली बार आया पहली बार पहली बार पहली बार आया प्रभु जी मारा हाथ मा 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 कैया दे दो नी ओ कैया दे दो प्रभु जी थाने हाथ राजा जी माने माफ करो ओ कैया दे दो नी प्रभु जी तारा हाथ देवा जी माने माफ करो। सचिन रानी ने कह दिया देवाजी माने माफ करो तो इतने में सोधन जी मंद मंद हर्षित हो रहे हैं कि सची इंद्राणी हे सची अब तो दे दो। हे स्वामी आप हमारे नाथ हैं और हमारे हाथों में तो तीन लोग के नाथ हैं। सची इंद्राणी ने कितनी अंतर मन से भावना कही है स्वामी आप तो मेरे नाथ हैं मगर मेरे जो हाथों में हैं वो तो तीन लोक के नाथ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं सची इंद्राणी के लिए। और हे स्वामी अब मैं आपको प्रभु को सौंपती हूँ। और सोधनंद जी साष्टांग नमस्कार करते हैं साष्टांग। और ओ दे इंद्राणी तेरे हाथ जोड़ता हूँ दे इंद्राणी तेरे हाथ जोड़ता हाथ जोड़ता हूँ तेरे हाथ जोड़ता हूँ दे इंद्राणी तेरे हाथ जोड़ता हूँ दे इंद्राणी तेरे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए ये सोधनंद्र महाराज हैं आप कहीं घर जाके आप मत करवा लेना हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाए महाभारत शुरू हो जाए। ये तो सोधनंद्र महाराज है स्वर्गाधिपति सोधनंद्र महाराज। और सचिन रानी कैसे मंद मंद मुस्कुरा रही हैं आइएगा। और देखिए और बात दूसरी है कि ये भगवान जी यहाँ जुड़ रहे हैं पत्नियों के नहीं जो सारे चल हो जाएंगे सारे। हाँ, ये आप नहीं सोचिएगा कि ये सची के हाथ जोड़ रहे हैं ये जो तीर्थंकर बालक उनके हाथों में हैं वो उनके हाथ जोड़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली से अनुमोदन करेंगे। इंद्र हो सर्गो का तू है मेरी इंद्राणी बात मेरी मान ले दे दे मुझको बालक ये तीर्थंकर बालक दे दे मुझको बालक ये तीर्थंकर बालक। इतने में स्वामी लीजिए आप मैं तीर्थंकर बालक को सौंपती हूँ। और देखिए प्रभु को सौंप रही कितना सुखद अवसर आया है आनंद का अवसर आया है धर्म भैया। और जब तीर्थंकर बालक को देती है सचिन रानी तो ये देंगे और ये लेंगे मगर बीच वाली संगमरमर की दीवार कहाँ जाएगी। जैसे ही तीर्थंकर बालक को सची सौंप रही है दो लाइन हाँ दो लाइन और हो लीजिए लीजिए नाथ इन पावन प्रभु को पावन अब हमको होना है सच मुच में लाल खिलौना है सच मुच में लाल खिलौना है अरे सच मुच में लाल खिलौना। और इतने में सोधर्म इंद्राणी सची इंद्राणी देती है सोधर्म इंद्र जी के हाथों में बोला जितनाथ भगवान की। सोधर्म इंद्र जैसे ही तीर्थंकर बालक को अपने नेत्रों से निहारते हैं उन्हें अपने दो नेत्रों से प्रभु की छवि देखकर के तृप्ति नहीं मिलती है सहस्त्र नेत्र करके भगवान की छवि को निहारते नेत्र हजारों नेत्र बना कर प्रभु दर्शन को तरसे धरती झूमे अंबर झूमे गगन रतन से बसे ये सब मिल जे बोलो प्रभु की जे बोलो प्रभु की
प्रभु दर्शन को तरसे हो एक हजार नेत्र बना कर प्रभु दर्शन को तरसे धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से बरसे प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो। अब सौदरविंद सचिन रानी यहाँ खड़े हो जाएंगे। कुबेर जी आइए, कुबेर महाराज सभीन्द्र एक बार आप सब लोग बधाई जन्म महोत्सव की अंदर चलिए और बधाई आनंद के साथ भक्ति के साथ चलिए आइए बधाई करने के लिए सभी लोग पहले इंद्र परिकर आ जाए। हाँ जी और आइएगा सारा का सारा इंद्र परिवार आ जाए और पूरी भक्ति के साथ पूरे आनंद के साथ क्या सभी बात लोग है? रत्न लुटाते हुए और रत्न तो सभी जानते हैं कौन से लुटाते हैं। आइए आ जाइए सभी लोग आ जाइए। हो अरे माता के लल्ला हो गया लल्ला अरे माता के लल्ला हो गया क्या कहना 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 अरे क्या कहना क्या कहना अरे क्या कहना क्या कहना अरे क्या कहना क्या कहना क्या कहना क्या कहना और माता के सारा नगर निठल्ला हो गया क्या कहना सारा नगर निठल्ला हो गया क्या कहना ओम श्री राम राम जय जय राम
ओ बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, अरे बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे चम 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 बाजे चम चमे चमे बाजे चमे 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 बाजे चमे 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 बाजे चमे 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 बाजे चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जे। बाजे चम 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 तीनों के नाथ भगवान का जन्म हुआ है और आप ऐसे खड़े हुए हैं कि कुछ खो गया हो। अरे भाई साहब, सौधर्मेंद्र जी, सचिन रानी, सभी लोग थोड़ा पीछे पीछे आइए और पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ आरती कीजिएगा। हाँ, जय हो। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया जी, प्रभु को उठाया, प्रभु को उठाया जी, प्रभु को उठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडुक बने अभिषेक कराया। इसीलिए इसीलिए देवा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में हाजी हाजी हाथों में दीपक लेकर बाजे चमे 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 अरे बाजे चमे 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 बाजे चमे 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 बाजे चमे 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 जय हो सती जी। अजब बहार है, अजब बहार है, अजब बहार है, माता तेरे लल्ला की 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 अजब बहार है, 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 हर चुप चुप झुक झुक जिए, हाँ जिते शत्रु तेरे ललना, झुक झुक जिए जिते शत्रु तेरे ललना, बाजे हे बधाई मैया आज तेरे अंगना, बाजे हे बधाई मैया आज तेरे अंगना, बाजे हे बधाई मैया आज तेरे अंगना, अयोध्या नगरी में खुशियाँ छाई, अयोध्या नगरी में खुशियाँ छाई, अरे खुशियाँ छाई मंगल घड़ी आई, अरे खुशियाँ छाई मंगल घड़ी आई, चित्र शत्रु नगरी में खुशियाँ छाई, चित्र शत्रु नगरी में खुशियाँ छाई, विजय देवी नगरी में खुशियाँ छाई, अयोध्या नगरी में खुशियाँ छाई, अरे खुशियाँ छाई मंगल घड़ी आई, खुशियाँ छाई मंगल घड़ी आई। और ये एक सेकंड, ये चार ये सारी भाभियां खड़ी हुई हैं और हमारी छोटी गुड़िया खड़ी हुई है। छोटो सो प्रभु जी बड़ो प्यारो लागे, ओ मेरो छोटो सो प्रभु जी बड़ो प्यारो लागे, गुरु भर भक्त पुकारी आरती मंगल गावे, आरती कर सो भाग सागर की ओहित मेरे नच जाए, गुरु भर के चरणों में नमः, गुरु भर के चरणों में नमः, गुरु भर के
चरणों में नमः। हर जय जय गुरु हर भक्त पुकारी आरती मंगल गावे। जय जय गुरु हर भक्त पुकारी आरती मंगल गावे। आरती कर सो भाग सगर की मोहित मृग सजा। गुरुवर के चरणों में नमः। गुरुवर के चरणों में नमः। गुरुवर के चरणों में नमः। ऋषिवर के चरणों में नमः। धन्य है हर धन्य है रेखा माता। तमो नगर में जन्म लिया है धन्य है रेखा माता। मुकलेश जी है पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता। हर मुकलेश जी है पिता तुम्हारे हर्षित मन ही गाता। हर नगर में सब जन मंगल गाए। सब जन मंगल गाए भूले नहीं समाए। नगर में सब जन मंगल गाए भूले नहीं समाए। अरे आरती कर सो भाग सगर की मोहित निर्नश जाए। गुरुवर के चरणों में नमः। ऋषिवर के चरणों में नमः। गुरुवर के चरणों में नमः। ऋषिवर के चरणों में नमः। पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए। गई तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गई तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। बालो अयोध्या बालो अयोध्या बालो अरे नगरी बालो चला होशियारे यहाँ पे आए हैं अजय कुमार। छवि मन बस गए रे तेरी शांति छवि मन बस गई रे। बस गई रे बस गई रे बस गई रे शांति छवि मन बस गई रे। तेनों को पुल की ती कर गई रे। तेनों को पुल की ती कर गई रे। शौधर्मेंद्र जब भगवान की भक्ति में आनंद नित्य करता है, आपने एक नटराज की मूर्ति देखी होगी। वो नटराज कोई और नहीं, वो शौधर्मेंद्र ही है। जब वो भगवान की भक्ति में नित्य करता है, अनेक अनेक रूप, ये आपको 8-10 लोग अलग अलग दिख रहे होंगे, कोई अलग नहीं है, एक शौधर्मेंद्र ही होता है। ये भगवान की भक्ति में अपने कई रूप बना करके अपनी भक्ति प्रदर्शित करता है। जब हम आगम ग्रंथों में पढ़ते हैं, इतना शक्तिशाली इंद्र होता है शौधर्मेंद्र, वो बताते हैं कि 12 मनुष्यों की शक्ति एक बैल के अंदर होती है, 12 बैलों की शक्ति एक भैंसा के अंदर होती है, 12 भैंसों की शक्ति एक घोड़े के अंदर होती है,
100 घोड़ों की शक्ति एक हाथी के अंदर होती है, 1000 हाथी की शक्ति एक शार्दुल के अंदर होती है, 1,00,000 शार्दुल की शक्ति एक अष्टापद के अंदर होती है, 2 अष्टापद की शक्ति एक बलदेव के अंदर होती है, 2 बलदेव की शक्ति एक नारायण के अंदर होती है, 9 नारायण की शक्ति एक चक्रवर्ती के अंदर होती है, 1,00,000 चक्रवर्ती की शक्ति एक देव के अंदर होती है, और 1,00,000 देव की शक्ति एक शौधर्मेंद्र के अंदर व्याप्त हुआ करती है, और ऐसे असंख्यात इंद्रों की शक्ति तीर्थंकर भगवान के अंदर जन्म से ही व्याप्त हुआ करती है। यही कारण है कि शौधर्मेंद्र को प्रभु के संपूर्ण पंच कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शौधर्मेंद्र ने भगवान की भक्ति में अनेक अनेक रूप बना करके, यहां तक लिखा गया आदि पुराण में कि कंकर की भांति नृत्य करता है वो, अनेक एक पैर यहाँ पे तो एक पैर और कहीं पर भी बिल्कुल भाव विहोर होकर के भगवान की भक्ति करता है। कई लोग जिसे तांडव नृत्य बोलते हैं, लेकिन आगम की भाषा में वो तांडव नृत्य नहीं, आनंद नृत्य है। आनंद में वो नृत्य को प्रस्तुत करता है, जिस आनंद नृत्य को हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया। एक बार ताली बजाते हैं सबके लिए। हाँ दीपक जी, रूपक जी, आप एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें। सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि देश की सबसे खूबसूरत आवाज को हम हमेशा सर्च करके सुनते हैं, आज वो हमारे बीच में लाइव है। भाई दीपक जी, रूपक जी, युगल, दोनों भाई हैं, और वास्तविकता में दिल्ली में आपने दिल्ली के माध्यम से समूचे हिंदुस्तान में भजन, जैन भजन गीतों के माध्यम से एक अपनी नई पहचान बनाई है गुरुदेव के प्रति, या यूं कहें कि पूज्य गुरुदेव के प्रति आपकी अगाढ़ श्रद्धा है। बड़ी व्यस्तता भी होती है, लेकिन आज जैसे ही एक छोटा सा मैसेज पहुंचा आप दोनों यहां पर उपस्थित, तो एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें। और मैं निवेदन करूं कि भाई दीपक जी, रूपक जी को मैं सुनूं, उसके पहले आदरणीय प्रवीण जी, अविनाश जी आए, और अचल भाई साहब आए, और भाई दीपक जी, रूपक जी के माथे पर सौभाग्य का सिंदूर लगा करके, आदर की चादर उड़ा करके इनका स्वागत करें। I'm
का जाप करो, भव जल से मिले किनारा, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यरियाणम नमो उवछायानम नमो लोए सर्वसाहुणम नमो लोए सर्वसाहुणम नमो कार मंत्र है प्यारा किसने ला तो तारा नमकार मंत्र है प्यारा जिसने लाखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो भव जल से मिले किनारा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवधायाणम नमो सर्वसाहुणम पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलाणम से सबे सिम परमंग हवई मंगलम परमंग हवई मंगलम नमो 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 नवकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा ये है वो जहाज ओ ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा श्रावक इसको जबके मुनि संत हो गए श्रावक इसको जबके मुनि संत हो गए संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए अरिहंतों के लिए खुल गया अरिहंतों के लिए खुल गया मोक्ष महल का द्वार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार नवग्रह उसके रहे पक्ष में नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जब ले नौबार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार कार नमोकार महामंत्र नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार
जब बोलिए महामंत्र नवकार की, जब बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। देखिए अवसर है पंच कल्याणक का, भगवान अजित नाथ जी का, हम यहाँ पंच कल्याणक मना रहे हैं। और देखिए इस अहिंसा स्थल में भी हमें आदिनाथ भगवान प्राप्त होने वाले हैं। गुरुओं की ऐसी कृपा हुई जिस अहिंसा स्थल में हम यहाँ भगवान महावीर स्वामी के दर्शनों के लिए आया करते थे, हमें आदिनाथ भगवान भी यहाँ मिलने वाले हैं। सभी के बीच हर्ष व्याप्त है। मैं सही मैंने सूचना दी जी? जी, तो पंच कल्याणक गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान और निर्वाण, जैन धर्म एक ऐसी ऐसा धर्म है, एक ऐसा माध्यम है जहां हम जैन से सीधा जिनेंद्र बन सकते हैं, आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। तो हम सभी के भाव भी यही होने चाहिए कि हम जन्म मरण के इस जंजाल से, इस झंझट से मुक्त हों। तो आइए एक भजन, चिरपरिचित भजन है दादू का, पंच कल्याणक से हमारी क्या अभिलाषाएं होनी चाहिए, क्या इच्छाएं हमारी होनी चाहिए। ऐसा तो हम कुछ कर नहीं रहे कि हम खैर इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, लेकिन फिर भी इस पंच कल्याणक से हमारी क्या अभिलाषा है, इस भजन में आप देखिएगा। गर्भ जन्म कल्याण शुभ शुभ, शुभ तप केवल ज्ञान, ज्ञान अक्षय पद निर्वाण शुभ, भगवान की तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अंतर्यामी अंतर्यामी अब दूर मेरा अज्ञान कर दे, अब दूर मेरा अज्ञान कर दे। तेरे पास हुए कल्याण प्रभु, तेरे पास हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी अब दूर मेरा अज्ञान कर दे, तेरे दूर मेरा अज्ञान कर दे। ओ तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। मीठी मीठी आप ताली बजा सकते हैं, क्योंकि ये बात आपके मन की बात है, हम दोनों भाई माध्यम बन रहे हैं, आपकी तालियां अर्जी सीधी अर्जी लगाने वाली है। जय हो, बोले महावीर भगवान की।
कठिन तपस्याएं की, फिर निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उसमें से भी हमने अपने लिए इच्छा जाहिर कर दी हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम अपने भावों को विशुद्ध करके, अपने कर्मों की निर्जरा करके हम भी वो पद पा सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत की बात है। आपको यहाँ से शुरुआत है, देखिए, बोलिए आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज की। जो हम श्रावक जन कर सकते हैं जी शार्प मेजर, श्रावक जन हम करते हैं अपनी चिर परिचित चीज आपको सुना रहे हैं। जब साधु परमेष्ठी, जब आचार्य परमेष्ठी या उपाध्याय परमेष्ठी हमारे मतलब भाग्यों का उदय होता है, हमारे सौभाग्य का उदय होता है, तो उनके चरण हमारे घर पर पड़ जाते हैं, पड़गाहन हो जाता है और आहार दिया जाता है। एक भजन मैंने लिखा था आज से कुछ वर्ष पूर्व, आप सभी ने वो सुना है, आज वो भजन आपको रूबरू सुना रहे हैं। आप सभी का मेरे ख्याल से जाना पहचाना गीत है, आप साथ में भी गा सकते हैं, अपने भावों की प्रस्तुति भी गुरुओं के चरणों में रख सकते हैं। हो कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हो कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, आज गुरुवर का दर्शन है पाया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया, जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जी गुरुवर को पड़ गया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा, किस किस की ऐसी अभिलाषा है कि गुरुवर के चरण उनके घर में पड़े हार चर्या हो, एक बार दोनों हाथ उठा के बताएं, और किन किन की ये इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, किन किन की ये इच्छा पूरी हो चुकी है, आपकी भी इच्छा जल्द ही पूरी होगी, चिंता ना करें आप। हो कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा, जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, ओ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। गुरुदेव आहार के लिए हमारे घर पर आ जाते थे तो महिलाओं की स्थिति होती है, बल्कि पुरुषों की भी, क्या कि भाई क्या बनाए, कहीं कोई भूल ना हो जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए, कैसी विचित्र स्थिति, लेकिन कितने करुण हृदय होते हैं हमारे गुरुवर, सबका बिल्कुल सकुशल अच्छे से सारी क्रियाएँ पूर्ण होती हैं। और वही एक भाव था
क्या मैं बनाऊं गुरुवर क्या ना बनाऊं, समझ ना पाऊं गुरुवर मैं घबराऊं। क्या मैं बनाऊं गुरुवर क्या ना बनाऊं, समझ ना आए गुरुवर मैं घबराऊं। मेरे घर को है तीरथ बनाया, मेरे घर को है तीरथ बनाया। हाँ जी गुरुवर दर्शन है पाया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हो कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर दर्शन है पाया, कौन सा पुण्य कमाया, वो जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाजी गुरुवर को पढ़ गाया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। जब बोली आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज की, जब बोलो टीले वाले बाबा की। आइए जल्दी से, जी 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 मेजर गुरुदेव विराजमान हैं और अहिंसा स्थल वाले तो सभी, बल्कि आसपास वाले भी, अभी जैसे कि मैंने देखा ग्रीन पार्क वाले भी आए हुए हैं और सभी लोग हैं यहाँ पूरा लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव ने सबको आशीर्वाद अपना बराबर मात्रा में दिया है। गुरुवर ने सभी की कलाई पकड़ी है, जो जो ये बात मानता है एक बार अपनी कलाई ऊपर करके दिखाए, देखिए जिसकी हाथ जिसकी कलाई ना पकड़ी होगी गुरुवर ने आज, वो मुराद पूरी हो जाएगी। और हम यही गाते हैं इस बात पे, मेरी होगी हर सुनवाई, कोई भी अड़चन या कोई विघ्न हमारे जीवन में नहीं रहेगा अगर गुरुदेव, मेरी होगी हर सुनवाई, फिकर अब क्या करना, गुरुदेव ने पकड़ी कलाई फिकर अब क्या करना, गुरुदेव ने पकड़ी कलाई फिकर अब क्या करना। अचल जी मेरी होगी हर सुनवाई, ओ मेरी होगी हर सुनवाई फिकर अब क्या करना, गुरुदेव ने पकड़ी कलाई फिकर अब क्या करना। एक बार ऊपर हाथ करके ऐसे कलाई दिखाइए ना गुरुदेव को, हम भी तो जाने, मेरा नंबर भी आ जाएगा। ओ गुरुदेव ने पकड़ी कलाई फिकर अब क्या करना, ओ गुरुदेव ने पकड़ी कलाई फिकर अब क्या करना। इनको पतवार थमाई, देखिए अब क्रीम क्रीम बची हुई है,
सबको बोला इनको पतवार थमाई फिकर अब क्या करना गुरुदेव ने पकड़ी कलाई फिकर अब क्या करना गुरुदेव ने पकड़ी कलाई फिकर अब क्या करना मेरी होगी हर सुनवाई मेरी होगी हर सुनवाई फिकर अब क्या करना गुरुदेव ने पकड़ी कलाई फिकर अब क्या करना चरण में आने से क्या होगा चिंता या संकट तुझको छू नहीं पाएगा देखिए ये तो आप भी समझ गए होंगे चार महीने में चिंता या संकट तुझको छू नहीं पाएगा विपदा का बादल दूर से ही टल जाएगा ओ विपदा का बादल दूर से ही टल जाएगा ये बन के चले परछाई ये बन के चले परछाई फिकर अब क्या करना गुरुदेव ने पकड़ी कलाई फिकर अब क्या करना गुरुदेव ने पकड़ी कलाई फिकर अब क्या करना मेरी होगी हर सुनवाई मेरी होगी हर सुनवाई फिकर अब क्या करना गुरुदेव ने पकड़ी कलाई फिकर अब क्या करना फिकर अब क्या करना फिकर अब क्या करना फिकर अब क्या करना यहाँ विराजमान है मेहरोली वाले बाबा महावीर स्वामी जी मेजर जब भी दर्शन करते हैं सारा मतलब एक भार उतर जाता है शरीर से मतलब क्या भगवान में जादू है उनकी आंखों में जब भी दर्शन करते हैं अहिंसा स्थल पर आकर बिल्कुल हल्के होकर ही जाते हैं मैं यहाँ आता रहता हूँ क्योंकि मेरा छोटा सा परिचय एक ये भी है कि ये अवनीश जी बैठे हुए हैं सामने जो ये साफी साफी कहते हैं साफी लगा के ये मेरे साले साहब हैं मुझे सौभाग्य मिला इनकी बहन जी मेरी जीवन संगनी बनी उसी के बाद मैं अहिंसा स्थल पर आया हूँ उससे पहले कभी नहीं आया था मुझे सौभाग्य नहीं मिला था और आज ये अवसर भी इन्हीं के प्रयासों से है पूरे चातुर्मास में होता रहा दस लक्षण में हुआ फिर हुआ कि भाई होए वो सब तारीखें नहीं मिल पाई थी लेकिन आज गुरुदेव के चरणों में मैंने कहा मैं आऊँगा चाहे समय मिले या नहीं मिले आज ही आने वाले हैं हम तो आइए चलते हैं मेहरोली वाले बाबा ये क्योंकि ये तकदीर बदल देते हैं और अब ये संगम हुआ हुआ है यहाँ प्रभु का और गुरु का संगम हाँ क्या बात है क्या बात निकाली देखिए आंकड़ा देखिए इनसे सीखिए आप 108 और 1008 प्रवीण जी सनमति देवा तेरे सब नाम लेवा ओ मेरे सनमति देवा तेरे सब नाम लेवा क्या बात है यहाँ पे भक्त सारे कभी तुझको पुकारे सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी बड़ा ना कोई छोटा नहीं मायूस
का किस्सा बया हम सब करेया तो दिल की दुनिया दुनिया है गुलशन जब फूल का तो सबका मालिया की दुनिया दुनिया है गुलशन फूल काटे तो सबका रोली वाले महावीर स्वामी आए हैं तेरे दर पे सवाले। इंद्र तो कोशिश कर रहे हैं मात्र अंदर घुसने की, लेकिन दिन तो ये महिलाओं का ही है। सौधर्म इंद्र भी भगवान को अपनी गोद में लेने के लिए कितना यत्न कर रहे हैं आज के दिन, कितनी मिन्नत करते हैं, लेकिन मिलते हैं क्या? सागर जी महाराज की ओ मेरे पारस देवा तेरे सब नाम लेवा ओ मेरे महावीरा हम तेरे सब नाम लेवा यहाँ पे भक्त सारे सभी तुझको पुकारे सुने बड़ी याद सबकी तुझे है याद सबकी बड़ा ना कोई छोटा नहीं मायूस लौटा अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा तेरी रहमत का किस्सा बयां हम सब करे क्या दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन सब फूल काटे तो सबका मालिया दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन सब फूल काटे तो सबका मालिया लप दुआए आंखों में आंसू दिल में उम्मीदे पर जो निकाले महरोली वाले महावीर स्वामी आए हैं तेरे दर पे सवाले महरोली वाले महावीर स्वामी आए हैं तेरे दर पे सवाले। भक्ति को आए तेरे दर्शन है पाए आज भक्ति को आए तेरे दर्शन है पाए ओ मेरे सन्मति देवा करा लो थोड़ी सेवा कोई ताली बजाए सजन कोई सुनाए कोई दीपक जलाए समर कोई बुलाए तेरे दर के पुजारी ओ राजा या भिखारी तेरे दर के सबके काम आए तू बिगड़ी बात बनाए तू सबके काम आए तू बिगड़ी बात बनाए काम आए तू सब पे करता है हाँ मेहरबान हम पे भी कर दो थोड़ी इनायत हम भी खड़े हैं बच्चे सवाल महावीर स्वामी आए हैं तेरे दर पे सवाले महरोली वाले महावीर स्वामी आए हैं तेरे दर पे सवाले महरोली वाले महावीर स्वामी आए हैं तेरे दर पे सवाले वाले
तो कोई मुकाबला है नहीं पुरुषों का महिलाओं के साथ, लेकिन आज थोड़ा सा हम प्रयास करके देखते हैं। कैसा जादू है जादू है गुरुवर ये तेरे प्यार में, कैसा जादू है गुरुवर ये तेरे प्यार में, दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार, दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में, कैसा जादू है गुरुवर ये तेरे प्यार में, कैसा जादू है गुरुवर ये तेरे प्यार में, दीवाने होकर नाचे नाचे तेरे दरबार में, कैसा जादू है गुरुवर ये तेरे प्यार में, कैसा जादू है गुरुवर ये तेरे प्यार में।